हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अरेंजमेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन ग्रैनम। जैसा कि पहले हमने लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था कि डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स लाइट एनर्जी को हार्वेस्ट करते हैं, यूज़ करते हैं और उसका यूज़ करके फिर वाटर को ऑक्सीडाइज करते हैं, जिससे आगे आने वाले ढेर सारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस परफॉर्म किए जाते हैं। देखिए सबसे पहले हमें पढ़ना है लाइट रिएक्शन। यू नो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द फर्स्ट स्टेप इज लाइट रिएक्शन एंड इन लाइट रिएक्शन द वाटर इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। देखिए इस प्रोसेस के लिए चाहिए एनर्जी और एनर्जी आ रही है सनलाइट से। लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अब हमें ये देखना होगा सबसे पहले कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट के ग्रैनम में किस फॉर्म में और कैसे अरेंज रहते हैं, राइट? तो आइए देखते हैं फिर कैसे करना है इसको। This is one thylakoid, it is another, किसी एक thylakoid को देखिए, suppose कीजिए इस पर, ये देखिए, इसके चारों तरफ एक membrane है, that is thylakoid membrane, and you know this thylakoid membrane surround a cavity, this is lumen, देखिए in this region, the two thylakoid membrane get oppressed, so this is regarded as oppressed region, right? ये देखिए इस area को हम कहेंगे non-oppressed। इसमें से कोई एक thylakoid ऐसा होगा जो elongated होगा and form connection between two ग्रैनम। इसे देखिए, इसे हम कह रहे हैं स्ट्रोमा लैमेला, राइट? जितने भी पिगमेंट होंगे सब मेम्ब्रेन में होंगे। देखिए थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में पिगमेंट्स अरेंज होते हैं, एज वेल एज बहुत सारे पिगमेंट होते हैं जो मेम्ब्रेन ऑफ स्ट्रोमा लैमेली, दिस इज एक्चुअली इलॉन्गेटेड पार्ट ऑफ थैलेकोइड, इसमें भी होंगे, ओके? अब देखिए टाइम टू टाइम डिफरेंट टाइप के हाइपोथेसिस या थ्योरीज दी गई हैं टू फाइंड आउट एंड टू एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। जैसे आप ये जानते हैं अबाउट क्वांटासोम कॉन्सेप्ट, राइट? पहले कुछ लोगों ने बताया था कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, सपोज दैट ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, ये दूसरा है, इस तरीके से ढेर सारे क्लोरोफिल और कैरोटेनॉइड्स के मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट हो जाते हैं और इस एग्रीगेशन को हम कहते हैं क्वांटासोम, और ये क्वांटासोम थैलेकोइड मेम्ब्रेन में पार्टिकल के फॉर्म में रहते हैं, राइट? ये सभी क्वांटासोम एक जैसे होते हैं। दिस हाइपोथेसिस इज गिवन बाय पार्क एंड विगिंस। बहुत पहले बताया था पार्क एंड विगिंस ने कि पिगमेंट्स क्लोरोफिल और कैरोटेनॉइड्स एक साथ ग्रुप में रहते हैं और इस ग्रुप को कहेंगे क्वांटासोम, और ये क्वांटासोम थैलेकोइड मेम्ब्रेन में रहता है। बट ये थैलेकोइड मेम्ब्रेन में क्वांटासोम जैसा स्ट्रक्चर केवल मेज प्लांट में देखा गया। इसके बाद
इसके बाद इस क्वांटासोम जैसा स्ट्रक्चर बहुत सारे प्लांट्स में ऑब्जर्व नहीं हुआ, तो इट इज़ नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मॉडल। बाद में स्टडी की गई तो पता चला कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इस थैलेकोइड मेम्ब्रेन में दो तरीके के सेट बनाते हैं, और इस पिगमेंट सेट में कुछ प्रोटीन भी इसके साथ इन्वॉल्व होती है, और जब प्रोटीन इन्वॉल्व होती है और इसके साथ ये पिगमेंट्स, तब हम इसे कहते हैं फोटोसिस्टम। ओके, तो अभी मैंने कहा देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोटोसिस्टम, मींस टू टाइप ऑफ फोटोसिस्टम मींस इसमें दो अलग अलग तरीके का पिगमेंटेड वेरिएशन होगा। अब हमें देखना है फोटोसिस्टम, तो क्वांटासोम को अभी हम रिजेक्ट कर रहे हैं, अब हमें स्टडी करना है फोटोसिस्टम। यू नो व्हाट इज फोटोसिस्टम? फोटोसिस्टम इज द अरेंजमेंट ऑफ पिगमेंट्स एंड प्रोटीन इन थैलेकोइड मेम्ब्रेन। ये देखिए डायग्रामेटिकली ऐसे बना दिया, अज्यूम कर लो ये क्लोरोफिल ए है। अब इसके साथ कुछ और भी क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल होंगे, दे आर ऑल्सो क्लोरोफिल ए, हंड्रेड्स ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, 100 to 200 नंबर ऑफ क्लोरोफिल, और अप्रॉक्सीमेटली 50 कैरोटीनॉइड्स। देखिए अभी आप देख रहे हैं 100 या 200 लगभग, और 50 कैरोटीनॉइड्स के मॉलिक्यूल्स, ये बीच बीच में कैरोटीनॉइड्स के मॉलिक्यूल्स लगे रहते हैं, साथ में कुछ प्रोटीन होते हैं। ये प्रोटीन या कुछ प्रोटीन के डेरिवेटिव भी हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं, इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और इस ग्रुप को हम कहते हैं फोटोसिस्टम, ठीक है ना? इसका मतलब आपने देखा कि डिफरेंट टाइप के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अलोंग विथ कैरोटीनॉइड्स, सम प्रोटीन लाइक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इन सब को हम एक साथ कह रहे हैं फोटोसिस्टम, है ना? और आप जानते हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक को हम कहते हैं फोटोसिस्टम वन और दूसरे को कहते हैं हम फोटोसिस्टम टू। दोनों में डिफरेंसेस है। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन पीक, देखिए इट इज क्लोरोफिल ए एंड दे आर ऑल्सो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, बट हर क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल अलग अलग वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है। सपोज कीजिए क्लोरोफिल ए है और हम ये कह रहे हैं ये क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल उस लाइट को एब्जॉर्ब करता है जिसकी वेवलेंथ 700 नैनोमीटर है, तो हम इसे कहेंगे क्लोरोफिल ए 700। इसका मतलब ये हुआ ये क्लोरोफिल ए ऐसा पिगमेंट है दैट एब्जॉर्ब लाइट एट द वेवलेंथ ऑफ 700 नैनोमीटर। सो हम इस क्लोरोफिल ए 700 को पिगमेंट 700 भी कह सकते हैं, ठीक है ना? अब देखिए फोटोसिस्टम में अब इसका नाम हमने रख दिया P700। इसके अलावा और भी मॉलिक्यूल होंगे, हमने लिख दिया इसको क्लोरोफिल ए 680 या क्लोरोफिल ए 670। और भी पिगमेंट्स होंगे और कैरोटीनॉइड्स, ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ये लाइट, ठीक। अगर हम इस सब को देखें तो जितने भी पिगमेंट्स हैं उसमें से एक को छोड़ दिया जाए, हम इसमें किसको कंसिडर नहीं करने वाले, P700, इसको छोड़कर बाकी जितने भी पिगमेंट्स होते हैं वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उस एनर्जी को इस मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ P700 मॉलिक्यूल को छोड़कर बाकी जितने भी हैं वो सिर्फ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, मीन्स लाइट को हार्वेस्ट करेंगे और फिर इसे ट्रांसफ़र कर देंगे एक कॉमन मॉलिक्यूल में, दिस इज P700। सो P700 को हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर, या फिर हम इसे कहेंगे फोटो सेंटर।
मीन्स फोटो सेंटर या रिएक्शन सेंटर इज P700 मॉलिक्यूल, और इसके अलावा ये जो भी हैं दे एक्ट एज एंटीना लाइक फंक्शन, सो इन्हें हम कहेंगे एंटीना क्लोरोफिल। ये सब एंटीना क्लोरोफिल या एंटीनल पिगमेंट्स हैं, और ये इसका रिएक्शन सेंटर। अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन दे आर ऑल्सो रेड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब मैंने कहा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोटोसिस्टम, तो देखिए डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन रिएक्शन सेंटर एंड देयर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एंड सम प्रोटीन, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब देखिए इसमें रिएक्शन सेंटर कौन है, P700। अब एक और फोटोसिस्टम है जिसमें रिएक्शन सेंटर P700 ना होकर P680 होता है, ओके तो इस तरीके से, और इसमें ये LSE। अगर फोटोसिस्टम वन है, इट इज फोटोसिस्टम वन। अब हम यहाँ पर दो फोटोसिस्टम डिस्क्राइब करने वाले हैं। दोनों फोटोसिस्टम में कॉमन क्या है, एक रिएक्शन सेंटर होगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होगा, और कुछ प्रोटीन होंगे। दे कैन कैरी इलेक्ट्रॉन, मीन्स दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन कैरियर। सबसे पहले यहां पर एक थैलेकॉइड मेम्ब्रेन बनाएंगे, दिस इज थिकनेस ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के एक साइड में ल्यूमेन होगा और दूसरी साइड में स्ट्रोमा। देखिए अगर हम ल्यूमेन की तरफ जाएं तो यहां पर इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी ज्यादा होती है, और अगर हम स्ट्रोमा की तरफ जाएं तो यहां पर बहुत कम होती है, और इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब यानी कि एक्सेप्ट या कैरी करने की कैपेबिलिटी को हम रिडॉक्स पोटेंशियल में मेजर कर सकते हैं, करते हैं। अब हम यहां पर एक चीज देख रहे हैं, अभी हमने देखा कि अगर हम ल्यूमेन की तरफ जाते हैं तो यहां पर अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की मीन्स ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी इसकी ज्यादा होगी। अगर यहाँ पर ल्यूमेन की तरफ एक मॉलिक्यूल ए हो और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल बी हो, तो ए में इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है टू एब्जॉर्ब इलेक्ट्रॉन, राइट। मतलब अगर इसमें इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की टेंडेंसी होती है फ्रॉम स्ट्रोमल रीजन टू ल्यूमिनल रीजन, ओके। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें फोटोसिस्टम होता है, दिस इज थैलेकॉइड मेम्ब्रेन और इसमें फोटोसिस्टम है। जरा इस फोटोसिस्टम को देखना, दिस इज रिएक्शन सेंटर एंड दे आर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इसे कहेंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स टू, दिस इज रिएक्शन सेंटर टू, दिस इज पिगमेंट 680, यहां पर दूसरा पिगमेंट है ये। अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, ये देखिए। अब एक दूसरा फोटोसिस्टम है, इसे कहेंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स वन, और यहां होगा ये रिएक्शन सेंटर वन, ये बना होता है P700। अब इसका भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, ये देखिए। हमने देखा
ये है फोटो सिस्टम टू एंड दिस इज फोटो सिस्टम वन। आप देख रहे हैं पिगमेंट्स थैलेकोइड मेम्ब्रेन में फोटो सिस्टम के फॉर्म में। एक फोटो सिस्टम टू में देखिए, ये इसका रिएक्शन सेंटर है दैट इज P680, बाकी एंटीना कॉम्प्लेक्स है या इसे हम कह सकते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स टू। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि जो पिगमेंट्स हैं वो फोटो सिस्टम के फॉर्म में अरेंज्ड हैं, फोटो सिस्टम वन एंड टू। अब पूरे थैलेकोइड मेम्ब्रेन में ऐसा नहीं है कि फोटो सिस्टम टू केवल एक ही होगा या फोटो सिस्टम वन ये केवल एक ही होगा। पूरे थैलेकोइड मेम्ब्रेन में जितना भी है ना, जितना भी लेंथ होगा थैलेकोइड मेम्ब्रेन सब में हर जगह पर फोटो सिस्टम वन फिर टू फिर वन फिर टू ढेर सारे रहते हैं। हाउएवर किसी किसी थैलेकोइड मेम्ब्रेन में या तो फोटो सिस्टम वन या फोटो सिस्टम टू ज़्यादा होता है। जैसे अगर आप ग्रेनम में देखें तो जो एप्रेस्ड रीजन होता है वहाँ पर फोटो सिस्टम वन और टू में से दोनों होते हैं बट फोटो सिस्टम टू ज़्यादा होता है। अगर हम नॉन एप्रेस्ड पार्ट देखें या स्ट्रोमा लैमेली में तो वहाँ पर केवल फोटो सिस्टम वन होता है। तो इस तरीके से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है फोटो सिस्टम का, राइट। तो ये था अरेंजमेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन द फॉर्म ऑफ फोटो सिस्टम। अभी हम लाइट रिएक्शन जब पढ़ने वाले हैं तो जब लाइट रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे तो हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि फंक्शनली ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले रिडॉक्स पोटेंशियल की बात की थी। जब देखिए अगर हम इधर आ रहे हैं तो इसका मतलब फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन, और जब हम ल्यूमेन में जाएंगे तो यहाँ पर रिडॉक्स पोटेंशियल बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे हम स्ट्रोमा की तरफ जाएंगे स्ट्रोमा की तरफ तो ये रिडॉक्स पोटेंशियल घटता जाता है। ध्यान से देखिए, फोटोसिस्टम टू ल्यूमेन की तरफ है और फोटोसिस्टम वन ल्यूमेन से दूर है, मीन्स टूवर्ड्स स्ट्रोमा। मतलब रिडॉक्स पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा, देखिए और बताइए, फोटोसिस्टम टू का या फोटोसिस्टम वन का। आप देख रहे हैं फोटोसिस्टम टू टूवर्ड्स ल्यूमेन है ना, तो जब ल्यूमेन की तरफ होगा तो यहाँ पर बिकॉज रिडॉक्स पोटेंशियल ज़्यादा होता है पॉजिटिव साइन के साथ है, तो फोटोसिस्टम टू का रिडॉक्स पोटेंशियल ज़्यादा होगा दैन फोटोसिस्टम वन। तो अगर हमने यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है या यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन है कोई, तो इलेक्ट्रॉन में टेंडेंसी होगी कि यहाँ से ये फोटोसिस्टम टू में चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ अगर इलेक्ट्रॉन को फोटोसिस्टम टू से ऊपर ले जा रहे हैं टूवर्ड स्ट्रोमा तो इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये पिगमेंट्स होते हैं दे कैन एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी। ओके, तो ये था सिस्टम। अब हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, मीन्स मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट इज परफॉर्म्ड बाय फोटो सिस्टम लाइट रिएक्शन। तो ये था आपका अरेंजमेंट, अभी हम स्टडी करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। सपोज दैट दिस इज ग्रैनम, एंड दिस इज स्ट्रोमा, एंड बोथ कॉन्स्टिट्यूट क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले लाइट आएगी, सुबह हुई लाइट आई, ग्रैनम में फोटोसिस्टम है पिगमेंट्स, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये देखिए फोटोसिस्टम टू एंड फोटोसिस्टम वन, ये देखिए
लाइट, लाइट यहाँ पर आनी है। पिगमेंट एक्साइटेड होते हैं, जब लाइट एनर्जी आती है तो इस फोटोसिस्टम टू से इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जाते हैं, राइट। अब इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए कुछ इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। फोटोसिस्टम वन और टू के बीच में साइटोक्रोम कौन होता है? दिस इज यस साइटोक्रोम, ये देखिए। अब इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्टर से साइटोक्रोम के थ्रू फोटोसिस्टम वन में ले जाते हैं। फोटोसिस्टम वन के बाद इस इलेक्ट्रॉन को ये देखिए एनएडी प्लस, दैट इज ऑक्सीडाइज्ड एनएडीएच। एनएडी की जगह पर यहां पर हम एनएडीपी प्लस यूज करते हैं, एनएडीपी इन्वॉल्व है यहां पर, और ये एनएडीपी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है एनएडीपी एच प्लस प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए फोटोसिस्टम लाइट आई, फोटोसिस्टम टू से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आती है, और जब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आती है इट कैन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ये अगर आसपास का इलेक्ट्रॉन दिखेगा जितना कि वो पॉसिबल हो तो वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेता है, और आसपास कौन है? H2O है। ये देखिए H2O से इलेक्ट्रॉन निकलकर फोटोसिस्टम टू में चले जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम टू से साइटोक्रोम से होता हुआ फोटोसिस्टम वन में जाता है, फोटोसिस्टम वन के बाद NADP में जाता है। ये ऑक्सीडाइज हो गया, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चले गए, प्रोटॉन देखिए प्रोटॉन यहाँ रिलीज हो जाते हैं, और जो ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजन को निकाल कर यहाँ से निकल जाएगी वो, और उसे भेज दिया जाता है एटमॉस्फेयर में। तो देखिए फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले जो भी प्रोसेस हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? ग्रैनम में हो रहा है, और इसमें लाइट की ज़रूरत है, इसलिए इसे कहते हैं फोटोकेमिकल फेज, फोटोकेमिकल फेज मीन्स देयर आर सम केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग लाइट एनर्जी, सो इट इज फोटोकेमिकल इवेंट्स और फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस और लाइट रिएक्शन। अब देखिए लाइट रिएक्शन में आपने देखा वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दिस इज हाइड्रोलिसिस, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ NADPH, दैट इज रिड्यूसिंग पावर, एंड जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तब यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। और ATP फॉर्मेशन को हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। तो आप देखिए ये फोटोकेमिकल इवेंट्स का प्रोडक्ट क्या है? NADPH2 और ATP, और जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन चला जाता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना। अब ग्रैनम में ये सारे चीज़ें जो बनी हुई हैं NADPH ये आते हैं स्ट्रोमा में, देखिए अब ये ग्रैनम से निकल कर स्ट्रोमा में आते हैं, और स्ट्रोमा में आता है कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ से आ रहा है ये? फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, देखिए एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, ग्रैनम से NADPH एंड ATP आ रहा है, यह देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कुछ इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स होते हैं, सपोज दैट मॉलिक्यूल दिस इज RuBP, NADPH और ATP दोनों इस कार्बन डाइऑक्साइड और RuBP या इस होने वाले रिएक्शन में यूज कर लिए जाते हैं, और अल्टीमेटली एक साइक्लिक प्रोसेस होता है और रिजल्ट में शुगर बन जाता है, राइट। देखिए फूड का फॉर्मेशन स्ट्रोमा में हो रहा है, लेकिन उस फूड के फॉर्मेशन में ज़रूरत है NADPH और ATP की। अब कार्बन को फिक्स करने के लिए या एसिमिलेट करने के लिए इन दोनों की ज़रूरत है, इसलिए इन दोनों को कहते हैं एसिमिलेटरी पावर, एसिमिलेटरी पावर। इसमें से ये रिड्यूस करता है NADPH कार्बन डाइऑक्साइड को, सो NADPH2 इज रिड्यूसिंग पावर, वेयर एज ATP इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, राइट। ये दोनों मिलकर यहाँ पर एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, आगे चल के अब स्टडी करेंगे, दिस इज C3 साइकिल और कैल्विन साइकिल दैट प्रोसीड टू फॉर्म शुगर एंड अकन स्ट्रोमा।
तो ये छोटी सी समरी है। अब इसमें लाइट का कोई डायरेक्ट यूज नहीं है, बट लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं NADH एंड ATP ये यूज किए जा रहे हैं। सो इट इज नॉट फोटोकेमिकल इवेंट्स, दिस इज बायोसिंथेटिक फेज, इसे हम कहने वाले हैं बायोसिंथेटिक फेज। मीन्स ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ लाइट फोटोसिंथेसिस कैन बी एक्सप्लेन इन टू स्टेप, अनदर फर्स्ट इज फोटोकेमिकल इवेंट्स एंड सेकेंड इज बायोकेमिकल और बायोसिंथेटिक फेज। फोटोकेमिकल फेज इज एक्चुअली लाइट रिएक्शन इन विच लाइट इज यूटिलाइज टू ऑक्सीडाइज वाटर एंड रिलीज इलेक्ट्रॉन, इन एक्सचेंज दिस इलेक्ट्रॉन एंटर इन टू NADPH टू फॉर्म NADPH दैट इज रिड्यूसिंग पावर एंड ATP मीन्स फॉस्फोरेलेशन, नॉट फॉस्फोरेलेशन, more exactly it should be known as, should be called as photophosphorylation to form ATP. both are assimilatory power that produce in light reaction. ab light reaction jab complete ho jata hai to assimilatory power utilize to reduce carbon dioxide to form sugar, right? to ab sabse pehle detail mein hum log padhenge about photochemical phase that is light reaction. to फोटोलिसिस ऑफ वाटर डिटेल मैकेनिज्म, इसमें कौन कौन से रिएक्शन हो रहे हैं, ये किसकी वजह से हो रहा है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं, फोटोसिस्टम टू का इसमें रोल क्या है, ये कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, एंड देन इसमें जो ETS है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उसमें कौन कौन से इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हैं, साइटोक्रोम या उसके अलावा और भी जो भी हैं, और इसके बाद ये फोटोसिस्टम वन का है, कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है कौन नहीं है, ये सारी चीज़ें आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन डिटेल, राइट? लाइट रिएक्शन ध्यान से सुनना आप लोग, दिमाग और कान दोनों खोल के, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट ओनली एग्जामिनेशन बट इज एक्चुअली रियलिटी ये है कि ये ऐसा प्रोसेस है दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट ओनली फॉर एग्जाम्पल फॉर ओनली एग्जाम और इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल स्टेप ऑफ नेचर। ये ऐसा प्रोसेस है जिसने पूरी लाइफ को सस्टेन करके रखा है, पूरे एनिमल किंगडम को, सो बहुत इम्पोर्टेंट है ये, और इसको हम ऐसे स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले हम दिखाएंगे फोटोसिस्टम किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले लाइट को क्लोरोफिल पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय पिगमेंट्स एंड देयर एक्साइटेशन। ओके, तो इसमें क्या करना है, देखिए लाइट एनर्जी को हम लिख सकते हैं क्लोरोफिल H न्यू, जब लाइट एनर्जी क्लोरोफिल से एसोसिएट हो जाती है तो क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, और जब क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो इसे हम कहते हैं एक्साइटेड क्लोरोफिल, एक्साइटेड, और जब इसमें इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रहता है, इसमें लाइट एनर्जी नहीं रहती है, तो इसे हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट, दो स्टेट में रहता है। यहाँ देखिए क्लोरोफिल को लाइट मिला है, लाइट में एनर्जी होती है, जैसे ही ये लाइट एनर्जी क्लोरोफिल में आता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं क्लोरोफिल से इट बिकेम एक्साइटेड टू रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनीवेयर दैट इज पॉसिबल। तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा,
दिस इज स्टार फॉर एक्साइटेड, बट रियलिटी है एक्चुअली ये पॉजिटिव चार्ज है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के सेंटर में मैग्नीशियम होता है। ओके तो ये एक्साइटेड हो गया, सबसे पहला स्टेप। और ये स्टेप फोटोसिस्टम में होता है। जब ऐसा हो जाएगा तो सेकेंड स्टेप में क्या होने वाला है, देखिए ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज करेंगे वाटर मॉलिक्यूल को, तो हम इसे कहते हैं फोटो लाइसिस ऑफ वाटर। बहुत सबसे पहले हिल ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि किस तरीके से वाटर का ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पे, इसे फोटोलाइसिस वाटर कहेंगे, एक्सप्लेन बाय हिल रिएक्शन। हिल रिएक्शन जब वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली लीड्स टू NADP प्लस थ्रू ए सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर, और उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेट होगा, और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेट होता है तो इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से दूसरे कैरियर में जा रहे होते हैं, और जब एक कैरियर से दूसरे कैरियर में जा रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी रिलीज होती है, और इसी एनर्जी को ट्रैप करके ATP का फॉर्मेशन होता है, दैट इज ATP फॉर्मेशन मीन्स फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो अब यहाँ पे सेकेंड स्टेप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट फॉलोड बाई फोटोफॉस्फोरिलेशन, ETS एंड फोटो फॉस्फोराइलेशन। राइट, फोटो फॉस्फोराइलेशन। ओके तो यहां पर ATP बनेगा, और लास्ट स्टेप में रिडक्शन ऑफ NADP प्लस टू NADPH। ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ NADPH2। ये क्लियर देख रहे हैं, सबसे पहले क्या हो रहा है, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, क्लोरोफिल एक्साइटेड होंगे, और जब एक्साइटेड होंगे सेकेंड स्टेप में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, थर्ड स्टेप में ETS ऑपरेट होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और जब ETS ऑपरेट होगा तो ATP बनेगा, एंड फोर्थ स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ NADPH। देखिए जब फर्स्ट टाइम फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होता है लाइट रिएक्शन, तो वो स्टेप बाय स्टेप होता है, और एक बार जब ये फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है ऑल प्रोसेस अकर साइमल्टेनियसली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ग्रैनम। ऐसा नहीं है पहले ये हो जाएगा तब ये, ऐसा नहीं, साइमल्टेनियसली सारे प्रोसेस होते रहते हैं। ओके तो अब डायग्रामेटिकली इसको एक्सप्रेस करेंगे कैसे हम, ये देखिए फर्स्ट स्टेप में लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और इसके बाद इससे इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है दे बिकेम एक्साइटेड। एक्साइटेड होने का मतलब यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है, और ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं। मतलब अगर इसमें इलेक्ट्रॉन कम है तो ये सोचते रहते हैं आसपास कहीं भी इलेक्ट्रॉन मिल जाए ना, बस जल्दी से रिसीव कर लो, मिलेगा कहाँ पे, है ना, आसपास वाटर तो रहता ही है। ये रहा वाटर, अब वाटर से इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान नहीं है, ऐसा नहीं है, ये देख रहे हैं जरा वाटर को, ये है ना, देख रहे हैं दिस इज कोवेलेंट लिंकेज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए, और जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी होती है इसमें,
लेकिन इसके बावजूद इसको ब्रेक करने के लिए, इस बॉन्ड को मीन्स इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स की ज़रूरत होती है और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की, दूसरे मॉलिक्यूल जैसे वो को एंजाइम्स होते हैं ना, को फैक्टर, बिल्कुल वैसे ही। तो कहने का मतलब H2O ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया बस एक ही स्टेप में हाइड्रोजन से या वाटर से इलेक्ट्रॉन निकल कर वापस इसे रिड्यूस करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसमें कॉम्प्लेक्स इन द सेंस इसमें बहुत सारे एंजाइम्स और भी लगेंगे। तो करना है आपको सिर्फ इतना, सिर्फ आपको इतना दिमाग में रखना है कि ये देखना ज़रा, ये कई स्टेप में होता है। एक स्टेप लाइट एनर्जी थोड़ी सी एब्जॉर्ब हुई और इसे हम कहते हैं मान लो फर्स्ट स्टेप, राइट, ऐसे S1 फर्स्ट स्टेप एंड देन सेकेंड स्टेप एंड देन थर्ड स्टेप एंड देन फोर्थ स्टेप। आप देखिए H2O का एक मॉलिक्यूल है ना, और इसको ऑक्सीडाइज करने में 1, 2, 3, 4 फोर इंटरमीडिएट स्टेप हैं। जब ये स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं तो हर स्टेप में एंजाइम की ज़रूरत होती है और बहुत सारे कोफैक्टर की। कौन कौन से कोफैक्टर हैं देखिए, कोफैक्टर मैग्नीज, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट आयन, और केवल एक एंजाइम नहीं, बहुत सारे एंजाइम हैं और सारे एंजाइम को हम कहते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे हम इसे, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, राइट। अभी ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स अलोंग विथ दीज कोफैक्टर चार स्टेप में वाटर के एक मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देते हैं, और जब ये ब्रेक होगा तो ये रहा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो चला जाता है एटमॉस्फेयर में, ये चला गया एटमॉस्फेयर में, और जो हाइड्रोजन आयन है वो चला जाता है ल्यूमेन में, स्ट्रोमा, थैलोकॉइड मेम्ब्रेन के नीचे ल्यूमेन है, और जो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन, आप समझते हैं इसे कहाँ जाना है ऑलरेडी, ये चला गया रिएक्शन सेंटर PS, कौन सा फोटोसिस्टम है ये, PS2 फोटोसिस्टम 2, ठीक है ना, इस तरीके से। देखिए वाटर का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है एक मॉलिक्यूल का, वो चार स्टेप में हो रहा है और चारों स्टेप में लाइट के एक एक क्वांटम की ज़रूरत होती है। ऐसा एस्टिमेटेड है कि फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इट रिक्वायर्ड 4 क्वांटम ऑफ लाइट इन 4 डिफरेंट स्टेप। तो अब आपसे ये पूछा जाएगा, देखिए वाटर के एक मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करने के लिए लाइट के चार क्वांटम की आवश्यकता है, लाइट क्वांटम चार चाहिए। देखिए फर्स्ट स्टेप एक हो गया, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 1, 2, 3, 4 फोर स्टेप चाहिए। ये देखिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, बताइए कितना ऑक्सीजन रिलीज करेगा, ये हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन का इसमें नंबर ऑफ क्वांटम बताइए, ये हो गया 4 लाइट क्वांटम। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करने के लिए कितना लाइट चाहिए और कितने वाटर मॉलिक्यूल, ये देखिए 2 मॉलिक्यूल चाहिए वाटर के, और 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज करने में कितने लाइट चाहिए होंगे, फिर 8 क्वांट ऑफ लाइट। और ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को रिलीज करने के लिए जितने भी लाइट क्वांटम की ज़रूरत होती है इसे हम कहते हैं क्वांटम रिक्वायरमेंट। क्वांटम रिक्वायरमेंट्स क्या देखा आपने, कि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल निकालने के लिए कितना लाइट चाहिए, 8 क्वांटा, और वाटर का मॉलिक्यूल कितना चाहिए, यस 2 मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब 8 इज, व्हाट इज 8 इज क्वांटम रिक्वायरमेंट।
मीन्स क्वांटम रिक्वायरमेंट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ लाइट क्वांटा दैट रिक्वायर टू प्रोड्यूस वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, राइट। अब क्या करना है आगे देखते हैं। अभी तो आपने सोचा कि वाटर के एक मॉलिक्यूल को, सॉरी, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को रिलीज करने के लिए कितने लाइट क्वांटम की जरूरत होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर वन लाइट क्वांटम, ओनली वन क्वांटम ऑफ लाइट एनर्जी हो, वन क्वांटम ऑफ लाइट एनर्जी हो, तो कितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकले? 1/8 हो गया, और हम इसे कहेंगे क्वांटम यील्ड। ओके, तो बताइए फोटोसिंथेसिस की क्वांटम रिक्वायरमेंट कितनी होती है? दैट इज 8, एंड क्वांटम यील्ड कितना होगा? 1/8। ओके, ये तो एडिशनल है। अब क्या करना है, चार स्टेप हो गए। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आ गया, तो फर्स्ट स्टेप एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल या फोटोसिस्टम टू। सेकेंड स्टेप इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। रूबेन एंड हिल ने एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किया था कि इसमें वाटर का ऑक्सीडेशन कैसे होता है। अब देख रहे हैं यहाँ पर, अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है एनर्जी की वजह से, ये इधर जाएगा। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इसे हम कहते हैं फियोफाइटिन। शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं PHE फॉर फियोफाइटिन। दिस इज फियोफाइटिन। ओके, अब फियोफाइटिन इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। अब फियोफाइटिन इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2, रिएक्शन सेंटर 2, इन सब को हम कहते हैं फोटोसिस्टम 2। अब देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूल है इंटरमीडिएट जो दो फोटोसिस्टम के बीच में है, इसे हम कहते हैं साइटोक्रोम, आयरन कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन कैरियर। साइटोक्रोम कई तरीके के होते हैं, साइटोक्रोम B6 एज वेल एज F, दो तरीके के साइटोक्रोम और एक कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में रहते हैं, इसलिए इसे कहते हैं साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। ये देखिए, ये फियोफाइटिन की लोकेशन, ये रिएक्शन थैलेकोइड मेम्ब्रेन में हो रहा है। अब टू फियोफाइटिन स्टोमा की तरफ होता है, बट विद इन द थैलेकोइड मेम्ब्रेन। फियोफाइटिन के ठीक थोड़ा सा नीचे यहाँ पर देखिए, ये है प्लास्टोक्विनीन। इधर देखना, बताइए रिडॉक्स पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? इनफैक्ट प्लास्टोक्विनीन का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसकी लोकेशन टूवर्ड्स ल्यूमेन है और इसका लोकेशन किधर है? टूवर्ड्स स्ट्रोमा है। तो जब लाइट एनर्जी की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने की कैपेबिलिटी PQ में ज्यादा है, तो प्लास्टोक्विनोन फियोफाइटिन का इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेता है। ओके, अब इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन में जाते हैं, और साइटोक्रोम की लोकेशन देखिए, इसका रिडॉक्स पोटेंशियल ज़्यादा है, तो प्लास्टोक्विनोन से ये फिर इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। और इसके बाद ठीक इसके सामने एक दूसरा इंटरमीडिएट है, दिस इज प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन के ठीक सामने होता है P700, और P700 आप जानते हैं इट इज रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम 1, एंड फोटोसिस्टम 1 और ऑल्सो वेल डिफाइंड फोटोसिस्टम एंड कैन एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी। ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी दे कैन पंप इलेक्ट्रॉन अगेन टूवर्ड्स स्टोमा वेयर अनदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दैट कंटेन आयरन एंड सल्फर कॉमनली रिगार्ड एज फेरेडॉक्सिन इज फाउंड। सो फेरेडॉक्सिन इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 1 व्हिच रिसीव इलेक्ट्रॉन and then transferred it into stroma where NAD+ NADP+ get reduced into NADPS2। okay, so देख रहे हैं light reaction में एक अच्छा खासा system बना हुआ है। photosystem 1 photosystem 2 इन दोनों photosystem के अलावा भी
इंटरमीडिएट देखिए साइटोक्रोम, ये दोनों फोटोसिस्टम को ऐड कर रहा है। फोटोसिस्टम में देखिए प्राइमरी स्टेप दैट इज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज फियोफाइटिन एंड देन प्लास्टोक्यूनिन एंड देन साइटोक्रोम प्लास्टोसायनिन एंड देन P700 और सबसे लास्ट में कौन है, आयरन सल्फर कंटेनिंग मॉलिक्यूल फेरेडॉक्सिन। और फेरेडॉक्सिन के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाते हैं, NADP में। आपको एक बात बताएं, फैक्ट ये है कि जब यहाँ फोटोसिस्टम 2 से फियोफाइटिन तक इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो इसमें इंटरमीडिएट और भी बहुत सारे होते हैं, यूजुअली A1, A2 या A3 के नाम से हमने रिप्रेजेंट करते हैं, बट इसका कोई एग्जैक्ट आइसोलेशन या स्ट्रक्चर डिस्क्राइब ना होने की वजह से हम इसको यहाँ एक्सप्लेन नहीं करते हैं। सो हम अगर आपसे पूछा जाता है नेम ऑफ द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 2, देन यू हैव टू आंसर दिस इज फियोफाइटिन, राइट, फियोफाइटिन। अच्छा फियोफाइटिन के बाद कौन है, प्लास्टोक्यूनोन। अच्छा A1 और A2 क्यूनोन लाइक एक्टिविटी होती है इनकी। एक चीज, एक खास बात और, इस पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में फोटोसिस्टम 1, 2 NADP के अलावा जो थैलेकोइड मेम्ब्रेन में है केवल प्लास्टोक्यूनोन है जो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हाइड्रोजन को भी कंबाइन कर सकता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आता है तो ये स्ट्रोमा से एक हाइड्रोजन भी रिसीव कर लेता है, तो ये दो फॉर्म में रहता है, PQ दैट इज ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म एंड PQH मतलब इसके साथ हाइड्रोजन भी रहता है तो दैट इज रिड्यूस्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो इस तरीके से इंटरकन्वर्टिबल फॉर्म में रहता है ये। ओके, अब इसको स्लाइड रिएक्शन को देखिए, आप आपने देखा एब्जॉर्प्शन हो गया एंड देन फोटोलिसिस हो गया। अब इसके बाद हम इस पूरे स्टेप को कहेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से स्टार्ट होते हैं मूव करना, ये देखिए वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन वाटर से निकलते हैं, PS2 में जाते हैं, PS2 के बाद फियोफाइटिन में एंड देन प्लास्टोक्यूनोन एंड देन साइटोक्रोम एंड देन प्लास्टोसाइनिन दैट इज PC एंड देन फोटोसिस्टम 1 फेरेडॉक्सिन एंड अल्टीमेटली लीड्स टू NADP+ और NADP रिड्यूस होकर के बन जाता है NADPH2। ओके, अब एक प्लेस से जब दूसरे प्लेस पे इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, ये यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, आपको क्या लगता है एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं। अब देखिए जरा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक गया, यहाँ पर बीच में एनर्जी रिलीज होगी, ऐसे ही होगा क्या? यस, अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे एनर्जी रिलीज होती है और इसी एनर्जी का यूज किया जाता है एक बॉन्ड बनाने में। कौन सा बॉन्ड, जरा देखना, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ एक फॉस्फेट और अटैच कराना है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो बन जाएगा क्या, ATP। ओके, अब बताओ ATP क्यों बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी और जब एनर्जी रिलीज होगी दैट इज यूटिलाइज टू फॉर्म ATP। अब बताओ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पंप किया जा रहा है और इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर पंप क्यों करेंगे, क्योंकि इसे एनर्जी मिल रही है, मतलब जब तक लाइट मिलता रहेगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी तब तक ये ATS होगा, ATP बनेगा, वाटर का ऑक्सीडेशन होगा और रिजल्ट क्या आएगा, NADPH2 एंड ATP। ओके, एंड NADPH2 एंड ATP लाइट एक्शन के जो प्रोडक्ट हैं दैट यूटिलाइज्ड इन स्ट्रोमा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फूड। ओके, अगर मान लीजिए कि किसी वजह से लाइट रिएक्शन नहीं है, मान लो अंधेरा है, राइट, अंधेरा है और आप चाहते हैं कि बिल्कुल अंधेरा है और फोटोसिंथेसिस हो, बात डाइजेस्ट हो रही है नहीं, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, मैं कह रहा हूँ अंधेरा है और फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ऐसा कैसे, कुछ नहीं है। फोटोसिंथेसिस का मतलब अगर हम ये समझ लें, फॉर्मेशन ऑफ फूड ओनली, अब चाहे लाइट हो या ना हो, तो हम लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, ATP और NADPH2 मीन्स बोथ आर एसिमिलेटरी पावर। अगर हम एसिमिलेटरी पावर प्लांट के ग्रीन सेल को हम डायरेक्टली दे दें तो बताओ उसमें डार्क रिएक्शन या फूड का फॉर्मेशन हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, इफ़ यू वॉन्ट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन द एब्सेंस ऑफ लाइट देन यू शुड प्रोवाइड द एसिमिलेटरी पावर दैट इज NADH2 एंड ATP। ओके, तो ये ठीक है। अच्छा अब देखना ATS का क्या करें, इलेक्ट्रॉन वाटर से निकल कर पहुंच गया NADPH2 में थ्रू ए वेल डिफाइंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो रहा है इधर देखना, ये देखिए स्ट्रोमा की तरफ जा रहा है,
फिर इधर ल्यूमेन की तरफ, फिर तो दिस इज जिग जैक लाइक सर्किट, देखना इधर ये जिग जैक लाइक, सीधा रखेंगे तो ऐसे दिखेगा आपको, ठीक है ना। या फिर सो ड्यू टू द जिग जैक लाइक सर्किट दिस स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन इज नोन एज जेड स्कीम, इसे हम कहते हैं जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन। ओके, अच्छा इलेक्ट्रॉन तो चला गया, इलेक्ट्रॉन जब NADPH में जाता है तो वापस फोटोसिस्टम 2 में कभी नहीं आता, तो हम इसे कहेंगे नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इस वक्त जो ATP बनेगा उसे कहेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। लेकिन अब देखिए फोटोसिस्टम 1 में हम किसकी बात करने वाले हैं, फोटोसिस्टम 1 में, फोटोसिस्टम 1 से जब इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर कंपाउंड में जाता है तो आयरन सल्फर कंपाउंड के बाद ये NADPH में ना जाकर साइटोक्रोम में पहुंच जाता है, और अगर ये साइटोक्रोम में एक बार आ गया तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर साइटोक्रोम में जाता है तो बताइए वो प्लास्टोक्विनोन में जा सकता है क्या, कभी नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता, ऐसा इसलिए है बिकॉज आप देख रहे हो ना इसका लोकेशन, इसका रिडक्स पोटेंशियल ज्यादा है साइटोक्रोम का, क्योंकि वो टूवर्ड्स टूवर्ड्स क्या ल्यूमन में ज्यादा है, और प्लास्टोक्विनोन टूवर्ड्स स्ट्रोमा है क्योंकि इसके ऊपर साइड में स्ट्रोमा और नीचे की तरफ ल्यूमन है, अभी आपने स्ट्रक्चर में देखा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन चला जाएगा साइटोक्रोम B6 में और वहां से प्लास्टोसाइनिन एंड अगेन रिटर्न बैक इनटू फोटोसिस्टम 1 रिएक्शन सेंटर P700। तो बताइए P700 से इलेक्ट्रॉन ने स्टार्ट किया मूवमेंट और वापस कहाँ आ गया, फिर वहीं आ गया P700। अब बताइए ये क्या है, दिस इज नॉन साइक्लिक और साइक्लिक, दिस इज साइक्लिक। ओके, अब अगर साइक्लिक होगा तो ऐसी सिचुएशन में इसके जिसमें जो भी ATP बनेंगे, जो भी फास्फोराइलेशन होगा विल बी साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। देखिए फोटोफास्फोराइलेशन जब साइक्लिक होता है तो दो स्टेप में ATP बनता है, कितने स्टेप में बनता है, दो स्टेप, मतलब हमें कह सकते हैं एट द टू प्लेसेस ATP फॉर्मेशन आर टेक प्लेस, बट ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक ट्रांसफॉर फास्फोराइलेशन ओनली वन प्लेस इज कन्फाइंड बाई ATP फॉर्मेशन। तो ATP फॉर्मेशन किस में ज्यादा बार हो रहा है, जब साइक्लिक हो रहा है, तो एफिशिएंसी ऑफ ATP प्रोडक्शन विल बी हाई ड्यूरिंग साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन। मान लो कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है और उस फोटोसिंथेसिस होते समय अगर एनर्जी की नीड ज्यादा है, अगर एनर्जी की नीड ज्यादा है तो कौन सा फास्फोरिलेशन प्रेफर करता होगा प्लांट, यस मैं सोचने की कोई बात ही नहीं, इट इज साइक्लिक। ओके, कहने का मतलब ये हुआ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक टाइप ऑफ फोटोफास्फोरिलेशन दैट अकम्पेन्ड बाई नॉन एंड साइक्लिक, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम्स आर यूटिलाइज्ड टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलिटी पावर। एसिमिलिटी पावर इज NADPH2 एंड व्हाट ATP दैट यूज्ड इन डार्क रिएक्शन। ओके, तो इस तरीके से लेट अस डिस्कस अबाउट केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। केमियोस्मोटिक थ्योरी, देखिए दिस थ्योरी एक्सप्लेन हाउ द ATP फॉर्मेशन आर टेक्स प्लेस इन डिफरेंट बायोमेम्ब्रेन। इसका मतलब ये हुआ, ये थ्योरी भी हमें ये बताएगी कि किस तरीके से फोटोफास्फोरिलेशन होता है ना। फोटोफास्फोरिलेशन का मैकेनिज्म हम केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस या थ्योरी के थ्रू हम समझ सकते हैं। This is thylakoid membrane. This is lumen.
एंड दिस इज स्ट्रोमा लाइक अनदर बायोमेम्ब्रेन थायरॉइड मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ लिपिड बायलेयर ये देख रहे हैं आप इस तरीके से लिपिड बायलेयर यहीं पर ये देखिए दिस इज फोटो सिस्टम टू फिर देखना है यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर एक प्रोटीन है दिस इज प्लास्टोक्विनोन फिर देख रहे हैं यहाँ पर एक दूसरी प्रोटीन है दिस इज साइटोक्रोम B6 एंड F कॉम्प्लेक्स ये देखना दिस इज फोटो सिस्टम वन यहाँ पर फोटोलिसिस हो रहा है ये देखना ये इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में चला जाता है फोटोसिस्टम टू के बाद जब इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन में आते हैं तो ठीक इसी समय दो हाइड्रोजन आयन प्लास्टोक्विनोन के पास आता है ये देखिए और प्लास्टोक्विनोन कन्वर्ट हो जाता है प्लास्टोक्विनोन एच में फिर ये हाइड्रोजन आयन ल्यूमेन में रिलीज कर दिए जाते हैं फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन चलाता है साइटोक्रोम में और ये प्लास्टोक्विनोन फिर से प्लास्टोक्विनोन बन जाता है फिर यहाँ से देखिए ये इलेक्ट्रॉन आया फोटोसिस्टम वन में और फोटोसिस्टम वन में होता है P700 रिएक्शन सेंटर जैसे कि इसमें था P680 ये देखिए यहाँ पर NADP+ अब देखिए ये देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप देख रहे हैं नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जितनी देर तक ये लाइट रिएक्शन होता रहता है तब तक हाइड्रोजन आयन ल्यूमेन में बढ़ते जाते हैं दो सोर्स हैं ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन के पहला सोर्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर और दूसरा सोर्स बाय रिलीजिंग फ्रॉम प्लास्टोक्विनोन तो प्लास्टोक्विनोन स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन को रिसीव करता है और ल्यूमेन में रिलीज कर देता है और पहला वाटर के ऑक्सीडेशन से आ रहा है ऐसा लगातार होते रहने की वजह से H+ आयन ल्यूमेन में ज़्यादा हो जाते हैं और स्ट्रोमा में बहुत कम हो जाते हैं राइट तो ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेट हो रहा है ड्यू टू फोटोलिसिस ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट तो जब तक लाइट रहेगी और ये लाइट रिएक्शन होगा तब तक हाइड्रोजन आयन का अमाउंट इसमें ज़्यादा हो जाएगा ल्यूमेन में अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ग्रेडियंट बन गया हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट यहाँ देखिए लो है और यहाँ पर हाई H+ ग्रेडियंट कॉन्सेंट्रेशन ठीक है ना देखिए फोटो सिस्टम में आगे यहाँ पर कुछ प्रोटीन होती है ये देखिए दिस प्रोटीन इज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन मतलब ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में है अच्छा इस प्रोटीन के साथ कुछ दूसरे प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड रहती हैं ठीक है ना ये प्रोटीन देखिए इट लोकेटेड टुवर्ड्स स्ट्रोमा नॉट इट इज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन इन दोनों को जब भी ये दोनों रहेंगे एक साथ रहेंगे इस फैक्टर को इस प्रोटीन फैक्टर को हम कहते हैं
एफ नॉट, या हम इसे कह सकते हैं कॉपलिंग फैक्टर नॉट, और इसे हम कहते हैं कॉपलिंग फैक्टर वन. जनरली थाइलेकोइड मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल फॉर एच प्लस आयन. तो एच प्लस तो बाहर जा नहीं सकता है और ना ही बाहर से ल्यूमेन में आ सकता है. यहाँ जो आप देख रहे हैं वो यहाँ पर जो आ रहा है स्ट्रोमा से यहाँ पर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, इट इज़ थ्रू प्लास्टोक्विनोन. जनरली ये जो लिपिड बायलेयर है यहाँ से या जहाँ भी लिपिड बायलेयर है वहाँ से हाइड्रोजन आयन नहीं जा सकता है. अब देखिए कपलिंग फैक्टर प्रोवाइड चैनल, चैनल इन द सेंस अ पोर थ्रू विच एच प्लस आयन एंटर इंटू दिस प्रोटीन. ये देखिए बिकॉज एच प्लस यहाँ पर ज़्यादा है तो एच प्लस बाहर की तरफ जाने लगते हैं, और जब बाहर की तरफ जाएंगे हाइड्रोजन आयन तो उसके लिए ज़रूरत होगी कॉपलिंग फैक्टर नॉट दैट प्रोवाइड चैनल. जब चैनल के थ्रू ये जा रहा होता है तो इस प्रोटीन पर एक प्रेशर एग्जर्ट करता है. इस पर दिस प्रेशर एग्जर्टेड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, सो इसे हम कहते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स, प्रोटॉन मोटिव फोर्स. यस, अब प्रोटॉन मोटिव फोर्स की वजह से जब H प्लस कॉपलिंग फैक्टर वन के थ्रू बाहर आता है, ये देखिए H प्लस, तो इसकी वजह से इस प्रोटीन फैक्टर में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, मीन्स इसका स्ट्रक्चर कॉन्फर्मेशन चेंज होता है. सो एच प्लस आयन ग्रेडियंट फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ एच प्लस फ्रॉम ल्यूमेन टू स्ट्रोमा, एंड ड्यू टू दिस मूवमेंट प्रोटॉन मोटिव फोर्स इज क्रिएटेड, एंड दिस फोर्स लीड्स टू अ कन्फर्मेशनल चेंज इन कॉपलिंग फैक्टर वन. ओके, एंड दिस कन्फर्मेशनल चेंज प्रोमोट द एंजाइम लाइक एक्टिविटी ऑफ द फैक्टर, और जब ये एंजाइम जैसा वर्क करता है तो इसका एंजाइमेटिक एक्टिविटी है कि ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अटैच कराता है और रिजल्ट आता है एटीपी, राइट. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर फास्फोराइलेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पर फॉस्फेट एटीपी का फॉर्मेशन हुआ. देखिए अगर एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन या हाइड्रोजन आयन को यहाँ पर हम कम कर दें तो ऐसी सिचुएशन में डिफ्यूज होकर ये बाहर की तरफ नहीं जा सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो ऐसी सिचुएशन में कपलिंग फैक्टर एक्टिव नहीं रह सकते हैं, और जब ये एक्टिव रहेंगे तो ये कपलिंग फैक्टर वन दैट एक्ट एस एंजाइम एंड फॉर्म एटीपी. तो देख रहे हैं आप इस कंसेप्ट में आपने देखा कि इस फास्फेट को बनाने के लिए ज़रूरत है इस कपलिंग फैक्टर वन और नॉट की, है ना. अब ये एंजाइम लाइक एक्टिविटी शो कर रहा है, इस एंजाइम लाइक एक्टिविटी की वजह से इसे हम कहेंगे एटीपीएज एंजाइम. मतलब जो फैक्टर वन है ये एटीपीएज एंजाइम जैसा वर्क करेगा, और एफ नॉट चैनल प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू एच प्लस ल्यूमेन टू स्ट्रोमा मूव कर सके, राइट. तो अब इसे इस कंसेप्ट में अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें. देखिए समझ में तो आ जाता है, ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया, लेकिन इसमें जो नोट करने वाली चीज़ है वो ये है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें. सबसे पहली चीज़ है जो इस कपलिंग फैक्टर को एक्टिवेट करता है और आप जानते हैं वो है H प्लस एच आयन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. ओके, अगर जब भी एटीपी का फॉर्मेशन होता है सेल में, जब भी एटीपी का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, कि कहीं कभी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो
तो वो किसी ना किसी मेम्ब्रेन में जरूर होता है, और ये दो ही तरीके का होता है बेसिकली। एक तो थैलेकोइड मेम्ब्रेन में है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन लाइट रिएक्शन, और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ फूड, राइट। तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है और इस तरीके से एटीपी बनते हैं। दोनों में केमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है। हाँ, तो पहला आपने देखा एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, राइट, और दूसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देखिए यहाँ पर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इसलिए हो पाता है बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कुछ इंटरमीडिएट के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं, और जब हाइड्रोजन आयन मूव सॉरी इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो प्लास्टोक्विनोन एक्स्ट्रा H प्लस को रिसीव करके इस ल्यूमेन में रिलीज कर देता है, तो ETS की वजह से ऐसा हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है, तीसरा, यहाँ पर जब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, ETS होता है, तो इसकी वजह से ये H प्लस ऑस्मोटिकली बाहर जाता है, मतलब ऑस्मोसिस ऑफ H प्लस, ओके। और ऐसा होने की वजह से फोर्थ स्टेप इज द एक्टिवेशन ऑफ कपलिंग फैक्टर वन, या हम सीधे सीधे देखेंगे ATPase एंजाइम। और ये ATPase एंजाइम पहले इनएक्टिव था, और ऐसा क्या हो गया इसमें कि एक्टिव हो गया, जब H प्लस जाएगा तो इसका कुछ स्ट्रक्चर चेंज होता है, मतलब कॉन्फर्मेशनल चेंज इसका। हाँ, तो अब इसे हम कहेंगे फोर्थ स्टेप में कॉन्फर्मेशनल चेंज इन CF1 या फिर ATPase एंजाइम। तो पॉइंट जो आपको नोट करना चाहिए, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट दैट क्रिएटेड ड्यू टू ETS, एंड ड्यू टू ETS ऑस्मोसिस ऑफ H प्लस ऑल्सो टेक्स प्लेस, और H प्लस की ऑस्मोसिस की वजह से लीड्स टू कन्फॉर्मेशनल चेंजेस इन कपलिंग फैक्टर, सो रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ ATPase और ATP मॉलिक्यूल्स, ओके। इस तरीके से है, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कराया जाए, अब हमेशा ये कोई कंडीशन नहीं है कि H2O का ऑक्सीडेशन होगा ही होगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में जब हो रहा होता है फास्फोरिलेशन, तो वहाँ पे वाटर का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, वहाँ पे तो वाटर का फॉर्मेशन होता है ना, यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है NADH का, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है वाटर का, ठीक है ना। और इस तरीके का जब भी फास्फोरिलेशन होता है तो इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। हाउएवर ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन इन द माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन, यहाँ पर विदाउट ऑक्सीडेशन तो ये नहीं हो रहा है। सो ऑक्सीडेशन तो हो रहा है इसमें, बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन, एंड यू नो द फैक्टर दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन इन दिस रिएक्शन इज लाइट। सो इसे हम कहेंगे लाइट और फोटो फॉस्फोराइलेशन, ओके। तो केमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फोटो फॉस्फोराइलेशन, बट नॉट ओनली फोटो फॉस्फोराइलेशन, इट ऑल्सो एम्प्लाइज इन द फॉस्फोराइलेशन मैकेनिज्म इन माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, राइट। सो ये था फॉस्फोराइलेशन। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपसे, एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द फॉस्फोराइलेशन दैट इज हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ओके। अब मैं आपसे पूछूंगा कि देखिए लाइट रिएक्शन में हमने लिखा था कि ग्लूकोज का जब एक मॉलिक्यूल बनता है, तो ये था कि केमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। हाँ, तो मैं ये आप लोगों से कह रहा था कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ग्लूकोज के हर एक मॉलिक्यूल के बनने में वाटर का मॉलिक्यूल, ATP का मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, सबका नंबर इम्पॉर्टेंट है। जनरली हम ऐसे लिखते थे
इस तरीके से लिखते हैं। ये देखिए वाटर का ऑक्सीडेशन लाइट रिएक्शन में इन्वॉल्व है, ठीक है। आप देखो यहां पर जब वाटर के 12 मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो ग्लूकोज का कितना मॉलिक्यूल बन रहा है, 1 मॉलिक्यूल, है ना। चलिए सबसे पहले बताइए अमाउंट ऑफ लाइट, एनर्जी। देखिए क्वांटा में हम इसे मेजर करेंगे। ये देखिए 4 क्वांटा, कितना लाइट एनर्जी यूज कर रहे हैं, 4 क्वांटा। अभी आपने थोड़ी देर पहले स्टडी किया था क्वांटम रिक्वायरमेंट। अब देखिए जब 4 क्वांटा ऑफ लाइट यूज होता है तो वाटर का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है, इसकी वजह से हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज किए जाते हैं, ओके। अब आप ये बताइए कि यहाँ पर लाइट क्वांटा का टोटल नंबर क्या है, आप सोच सकते हैं। देखिए टू ऑक्सीडाइज 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 4 क्वांटा ऑफ लाइट आर रिक्वायर्ड। सो अगर हम 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को ऑक्सीडाइज कराएं तो बताइए यहाँ लाइट की ज़रूरत कितनी हो जाएगी। मीन्स यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे 48, क्यों कैसे, 4 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है ना। तो ये हो गया 48 क्वांटा ऑफ लाइट एनर्जी। अब ये जो 48 क्वांटा ऑफ लाइट एनर्जी है ये 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को ऑक्सीडाइज करेगी और फिर 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज किए जाते हैं। और जब 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होगा तो ठीक ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनेगा। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, हाउ मेनी एनर्जी लाइट एनर्जी और लाइट क्वांटा आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, तो आंसर विल बी सेम 48, ओके। अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी क्वांटा ऑफ लाइट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, देन इट विल बी 4 और 8, इट विल बी 8 बिकॉज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिलीज्ड बाय द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, राइट। इस तरीके से, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें। राइट अब देखिए लाइट रिएक्शन में आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ एटीपी एंड NADPH2 रिड्यूसिंग पावर। ये देखिए देखिए जब H2O का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है तो देखिए NADPH प्रोटॉन। देखिए वाटर का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हुआ और NADPH का एक मॉलिक्यूल बना, है ना। अब जब वाटर का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाना है, तो ऐसी सिचुएशन में ये हो जाएगा 12, और अगर ये 12 हुआ तो इसका मॉलिक्यूल भी हो जाएगा 12, राइट। और इसकी ज़रूरत कितनी भी होगी, ये भी 12 मॉलिक्यूल्स। तो ग्लूकोज को बनाने के लिए वाटर के 12 मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करना होता है, और जब 12 मॉलिक्यूल वाटर ऑक्सीडाइज होंगे तो NADPH के 12 मॉलिक्यूल बनेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज बनाने के लिए 12 NADPH2 की ज़रूरत होगी,
है ना, दैट इज रिड्यूसिंग पावर। अच्छा अब एटीपी काउंट कर लेते हैं। देखिए दिस इज नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और जो इसमें फास्फेट बनेगा, सॉरी एटीपी बनेगा, उसे हम कहेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन। जब नॉन साइक्लिक होता है तो ऐसी सिचुएशन में एटीपी एक जगह बनता है। ये देखिए एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट, तो एक वाटर को मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा तो एटीपी का एक मॉलिक्यूल बनेगा। इस हिसाब से नॉन साइक्लिक देखिए कितना हो जाएगा, 12 एटीपी बनेंगे। कब? जब नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन होगा, नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन। अब साइक्लिक फास्फोरिलेशन भी होगा, जब साइक्लिक फास्फोरिलेशन होता है तो 6 टाइम ही होगा। ये देखिए ये नॉन साइक्लिक है, फोटोसिस्टम 1, ये देखिए आयरन सल्फर कंपाउंड यहाँ से आ जाता है ये साइटोक्रोम में, साइटोक्रोम से फिर प्लास्टोसाइनिन में, और फिर ये देखिए दिस इज साइक्लिक। यहाँ पर जब साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम होता है तो एटीपी का फॉर्मेशन 2 बार होता है। एक एटीपी यहाँ बनता है जब फेरेडाक्सिन से साइटोक्रोम में जाते हैं इलेक्ट्रॉन, और दूसरी बार जब साइटोक्रोम से प्लास्टोक्यूनिन में जाते हैं, सॉरी प्लास्टोसाइनिन में, तब एक बार एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर 2 बार हो रहा है। अब इसमें 6 टाइम जब वाटर के 12 मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होते हैं तो ये प्रोसेस 6 टाइम होता है। तो अगर ये 6 टाइम हो तो 6 × 12 ये हो गया 6 टाइम। अगर ये 6 टाइम हो रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में हो जाएगा 6 ATP मॉलिक्यूल। 6 ATP मॉलिक्यूल्स ये आ गए और 12 भी आ गए, 18 ATP मॉलिक्यूल्स। तो आप देख रहे हैं देयर आर 18 ATP मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। इस तरीके से हम एटीपी और एनएडीपी का नंबर काउंट कर लेते हैं। ओके तो अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से लाइट रिएक्शन होता है। अब जो एसिमिलिटी पावर लाइट रिएक्शन में बना है दैट इज एटीपी एंड एनएडीपी H2। अब इसका यूज करेंगे हम फूड बनाने में जो स्ट्रोमा में होता है। तो स्ट्रोमा में किस तरीके से प्रोसेस होगा इसको देखेंगे। अभी तक हम पढ़ रहे थे फोटोकेमिकल इवेंट्स एंड फेज, अब हम पढ़ने वाले हैं बायोसिंथेटिक फेज।